सो नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल गोविंद फ्लूट। मैं गोविंद, आज बिगिनर्स रिबल के लिए फिर एक नया वीडियो है जो तीन सरों का है। सो उससे पहले नोटेशन तीन सरों का हो, जाना होगा और आना होगा, मतलब आरोह और अवरोह कैसे बजाएंगे और क्या क्या है नोटेशन। एक बार ध्यान से वीडियो को पूरा देखो, उसके बाद लिख लो, उसके बाद बांसुरी में प्रैक्टिस करो और वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आइए सीखते हैं बांसुरी में तीन सरों का। स रे गा, रे गा मा, गा मा पा, मा पा धा, पा धनी, धनी सा, सा नी धा, रिटर्न नी धा पा, धा पा मा, पा मा गा, मा गा रे, गा रे सा, सा रे गा, रे गा मा, गा मा पा, मा पा धा, पा धा नी सा। तीन अलग अलग है, पहले आप नोटबुक पे लिख लो, उसके बाद ही बांसुरी में आप लोग प्रैक्टिस करो। तो आइए बांसुरी में कैसे बजाएंगे। मेरे पास है, ये थोड़ा बड़ा है जी स्केल, आप लोगों के पास कोई भी स्केल हो तो उसी से आप प्रैक्टिस करो। सा रे गा, उसके बाद एक छोर के रे गा मा, उसके बाद गा मा पा, उसके बाद मा पा धा नी, धा नी सा, बजा के दिखा रहा हूँ, देखो प्लीज। उसके बाद रिटर्न सा नी धा, नी धा पा, धा पा मा, पा मा गा रे, गा रे सा। आरोह एंड अवरोह, सा रे गा, रे गा मा, गा मा पा, मा पा धा, पा धा नी, धा नी सा। इसे बता उसके बाद रिटर्न अब रो इसी प्रकार, पहले स्लोली प्रैक्टिस करो, उसके बाद आपका स्पीड को बढ़ाओ। स्लोली मतलब कि इसका लिसन का स्पीड थोड़ा बढ़ाओ। तो पहले से ही आप फास्ट मत करो, पहले बहुत स्लोली से आप स्टार्ट करो, उसके बाद ही स्लोली स्पीड बढ़ाओ। और हर कोई लिसन प्रैक्टिस से पहले सारे गामा पाधा निशा
पूरा आरोह अवरोह बहुत बार आप प्रैक्टिस करो, इससे आप लोगों का साउंड और भी इंप्रूव होगा। सरे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा, सरे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा। इसी प्रकार आज वीडियो यहीं तक, फिर एक नया वीडियो बनाएंगे। आज के लिए यहीं तक, नमस्कार, जय श्री कृष्ण।